ईरान का आदेश, इज़राइल पर सीधा हमला। इस वक्त पूरा ईरान इज़राइल से भीषण हमला लेने के लिए तड़प रहा है। इस वक्त पूरा ईरान हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से बौखलाया हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इज़राइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया को बेहद सुरक्षित इमारत में कैसे मार दिया। पचास साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इज़राइल पर भीषण हमला करने का आदेश दे दिया है। जमीन में हानिया का ताबूत, अरब में विश्व युद्ध। हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने आईआरजीसी और ईरान आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वो बदले की तैयारी करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इज़राइल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इज़राइल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी होगी। हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर ईरान के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है। ताजा खबरों से लग रहा है कि ईरान इज़राइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है और दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि वो हानिये की मौत का बदला लेंगे और इज़राइल पर सीधा हमला करेंगे। खामनेई ने ये भी कहा कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तैयार कर लिया है। हानिया हमारे प्रिय मेहमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई, उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בבירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תופנות נגדנו מכל זירה שהיא. सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के आदेश के बाद से ईरान ने इज़राइल पर बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके संकेत साफ साफ देखने लगे हैं। ईरान में एक मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ईरान के कूम में ऐतिहासिक जामकरण मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहराया गया है जो युद्ध का संकेत है। ईरान पहले भी इज़राइल पर सीधे अटैक कर चुका है लेकिन तब उसके सभी रॉकेट्स और ड्रोन इज़राइल और उसकी अलायंस फोर्सेज ने रोक दिए थे। ईरान के मिलिट्री कमांडर इसी तरह का इज़राइल पर दूसरा हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। खबर ये भी है कि मिलिट्री कमांडर हमले के उन तरीकों को तलाश रहे हैं जिनमें आम नागरिकों की जान न जाए। ईरान इस बार अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अगर इज़राइल के ऊपर सीरिया, इराक, यमन, लेबनान और ईरान की ओर से एक समय में अटैक होता है तो उसके एयर डिफेंस को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। जानकार मानते हैं कि सैकड़ों रॉकेट्स में से अगर 2-3 रॉकेट इज़राइल के एयर डिफेंस को भेद कर शहरों में गिरते हैं तो ईरान कह सकता है कि उसने हानिया की मौत का बदला ले लिया है। ईरान से तनाव के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपने नागरिकों को हाई अलर्ट करते हुए कहा कि इजराइल अपने वजूद की जंग करने जा रहा है। तो वहीं ईरान में उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के घर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बड़ी बैठक हो रही है। इससे पहले भी ईरान ने इज़राइल से बदला लेने का ऐलान किया था। तब 3 जनवरी 2022 को ईरानी कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया था। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को साल 2022 में राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर जान से मार दिया गया था। कासिम सुलेमानी इराक में एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे।
इसी साल 5 जनवरी को भी मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया था जब कासिम सुलेमानी के मौत की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में जबरदस्त बम विस्फोट हुआ था जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी मारे गए थे। यानी ईरान अब इसराइल से बदला लेने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। तेहरान में ताबूत, इसराइल से मांगे बदला। इसराइल ने हमास चीफ हानिया को मारकर एक तीर से 4 निशाने लगाए हैं। हमास, हिजबुल्ला, हूथी और ईरान, इन चारों को इसराइल ने एक साथ चैलेंज किया है। कुछ जानकारों का मानना है कि इसराइल चाहता है कि लगभग 10 महीने के गाजा जंग में जिस तरह से हमास का लगभग सफाया किया गया है, ठीक उसी तरह से ईरान, यमन, सीरिया, लेबनान में मौजूद बाकी दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि इसराइल जानता है कि दोबारा से अपने दुश्मनों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग शुरू करना जरा भी आसान नहीं होगा। इसीलिए जहां इसराइल ने 30 जुलाई को हिजबुल्ला के नंबर 2 कमांडर फौज शोकर को बेरूत में मारा, तो वहीं 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ हानिया को मिसाइल हमले में मार दिया गया। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा हुआ है कि मिडिल ईस्ट की वेबसाइट अमवाज मीडिया ने दावा किया है कि हानिये की हत्या में उनके बॉडीगार्ड्स का हाथ हो सकता है। इससे पहले फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया था कि हानिये उत्तरी तेहरान में ईरान इराक युद्ध के रिटायर्ड सैनिकों के लिए बनी एक इमारत में अपने बॉडीगार्ड के साथ ठहरा था। ये भी बताया गया कि ईरान हानिया की करीबी सुरक्षा टीम पर दोष मढ़ रहा है, जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उनके यहाँ पर ठहरने और दूसरी जानकारी उसके करीबी लोगों ने लीक की है। ये शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह का नेता जियाद अल नखला उसी इमारत में एक अलग मंजिल पर रह रहा था, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ इस्माइल हानिया की टारगेट किलिंग की गई। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इसराइल के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं, हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। والقسام اليوم اعلن ان الاحتلال لن ينجو من العقاب وقد فتح الافاق للمقاومه لنترك الميدان يحدد كيف ترد الامه ويرد القسام وترد ايران ويرد محور المقاومه على استشهاد اسماعيل. قالوا خشبوني محسن ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. ईरान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो हमास चीफ हानिया ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में बेहद जोश में देख रहा था, उसे भी एहसास नहीं था कि इसराइल ईरान की जबरदस्त सुरक्षा कवच को तोड़कर उन्हें मार सकता है। खुद ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इसराइल के इस खौफनाक हमले से सख्ते में है। हकीकत में इस वक्त ईरान को समझ में नहीं आ रहा कि वो इसराइल से बदला कैसे ले, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका इसराइल का जंग में पूरा साथ देगा। तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल डिफेंस फोर्स ने ईरानी हमले से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसराइल के रक्षा मंत्री कार्यालय के सूत्रों ने एक मीडिया एजेंसी को बताया है कि ईरान की धमकी के बाद आईडीएफ ने खुद को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर लिया है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हमास, हिजबुल्ला और समुद्र में हूथी के साथ मिलकर ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान द्वारा सीधे या उसके प्रॉक्सी के माध्यम से कुछ हमले हो सकते हैं, जिससे निपटने के लिए इसराइल ने तैयारी कर ली है। उधर खामनेई की खुली धमकी के बाद तेल अवीव और हाइफा में इजरायली सेना ने अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर ठहर जाता है कि क्या ईरान अपने दम पर इसराइल से युद्ध कर पाएगा? क्या ईरान को ऐसा लगता है कि अगर जंग शुरू होती है तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जंग में ईरान का साथ देंगे? अगर ईरान का साथ रूस और चीन देते हैं तो फिर अमेरिका और यूरोपीय देश इसराइल का खुलकर साथ देंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर अरब से विश्व युद्ध शुरू होने से कोई रोक नहीं पाएगा।